नमस्कार महोदय, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और चौथ चंद्र, जाने इसका महत्व। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात होगी पुलिस, प्रदेश में शुरू हुई निडर नारी व्यवस्था। शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी इसी महीने हो सकती है लागू। भू सर्वेक्षण के दौरान इन अनुदेशों को ध्यान में रखे जमीन मालिक। शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जारी हुए नए निर्देश। पैरालंपिक हाई जंप में बिहार के लाल ने किया कमाल। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CCL ने 10वीं 12वीं पास वालों के लिए निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ट्रेड फ्रेशर टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार NAPS पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में ITI डिप्लोमा किया हो। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा पद के मुताबिक 22 या 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और चौथ चंद्र, जाने इसका महत्व। आज हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और चौथ चंद्र का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जा रहा है। ये तीनों ही पर्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व रखता है। तीनों ही पर्व में उपवास रखने की परंपरा है। हरतालिका तीज शादीशुदा महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी मनाती हैं ताकि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो। तीज में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा आज गणेश चतुर्थी भी मनाई जा रही है जिसमें भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा आज मिथिलांचल का लोक पर्व चौथ चंद्र भी विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संतान के दीर्घायु की कामना करते हुए महिलाएं व्रत रखती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात होगी पुलिस, प्रदेश में शुरू हुई निडर नारी व्यवस्था। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ऐसा करने वाला बिहार तीसरा राज्य बना है। इससे पहले ऐसी व्यवस्था हरियाणा और तेलंगाना में थी। डायल 112 पर एक कॉल करते ही इनकी GPS ट्रैकिंग की जाएगी। वहीं यात्रा के दौरान जो महिलाएं पुलिस से मदद मांगती हैं उन पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। बिहार में इस व्यवस्था को निडर नारी नाम दिया गया है। फिलहाल ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार में पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। 15 सितंबर से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। पैरालंपिक हाई जंप में बिहार के लाल ने किया कमाल। पैरालंपिक हाई जंप में शरद कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया है। शरद बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गृह जिला के साथ पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शरद कुमार को रजत पदक जीतने पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के अलावा और भी कई बड़ी हस्तियों ने शरद कुमार को उनकी इस कामयाबी के लिए बधाई दी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अमित दत्त के बारे में। ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1973 में बिहार के पटना में हुआ था। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने उन्हें 2017 में चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये पुरस्कार सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी इस महीने हो सकती है लागू। शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। ये पॉलिसी शिक्षकों की उदार नीति के लिए बनाई जा रही है ताकि दिव्यांग बीमा और महिला टीचर के तबादले का विशेष ध्यान रखा जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस महीने के अंत तक शिक्षकों की तबादला नीति आ रही है। इसे लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। करीब 2.25 लाख शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं तो ट्रांसफर को लेकर सॉफ्टवेयर तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। खनिज खनन ब्लॉक की नीलामी से बिहार सरकार को बड़े राजस्व मिलने की उम्मीद। बिहार के कई जिलों में खनिज होने की खबरों के बीच रोहतास, गया और जमुई जिले में खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। ये नीलामी अक्टूबर महीने से शुरू होगी। खनिज के खनन से प्रदेश सरकार को काफी फायदा होने वाला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि खनिज के खनन से बिहार सरकार को 5,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त हो। इसकी जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने दी है।
रोहतास में ग्लोकोनाइट की खादान नीलामी की गई। वहीं गया में क्रोमाइट निकेल प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स युक्त चट्टान नीलामी की गई। गरीब बच्चों के लिए सुपर 30 के फॉर्मेट पर स्कूल खोलेंगे आनंद कुमार। गरीब बच्चों के लिए 2002 में सुपर 30 की स्थापना कर चर्चा में आए गणितज्ञ आनंद कुमार अब 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल इसी फॉर्मेट पर खोलने जा रहे हैं। इस स्कूल में 100 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन्हें फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसका ऐलान आनंद कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर किया है। उनके मुताबिक कोचिंग की संख्या तेजी से बढ़ने का कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर का नहीं होना है। उन्होंने कहा कि कोचिंग का व्यवसाय अलग है, कई लोग ब्रांच पर ब्रांच खोलते हैं। मेरा मकसद है अभाव वाले बच्चों को पढ़ाना। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो कोचिंग एक्ट पर तेजी से काम करें। पढ़ाने लिखाने का काम कारोबार नहीं होना चाहिए। भू सर्वेक्षण के दौरान इन अनुदेशों को ध्यान में रखे जमीन मालिक। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत स्वघोषणा का प्रपत्र 2 रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करने या भू अभिलेखों और परिमाप की वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही गई है। प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से भी हस्ताक्षर करवाना जरूरी नहीं है। इसके अलावा खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की भी जरूरत नहीं है। राजस्व रसीद की छाया प्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न करने की बात कही गई है। इससे संबंधित निर्देश आईपीआरडी पर भी जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आईपीआरडी को देखें। दक्षिण बिहार में अब हर रोज 15,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य। दक्षिण बिहार में अब हर रोज 15,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल बिजली कंपनी के CMD सह ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों को जागरूक करने में लापरवाही बरतने के आरोप में जीनस पावर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाली कंपनियों को CMD ने ब्लैकलिस्टेड करने की बात भी कही है। ड्रोन उड़ाने से पहले इन बातों को जानना है जरूरी। आज के दौर में तकनीकी ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है और इसमें ड्रोन का उपयोग भी शामिल है। पहले फिल्म शूटिंग या हवाई वीडियोग्राफी के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ड्रोन से ये काम हो जाता है। हालांकि ड्रोन उड़ान के कुछ नियम भी हैं जिन्हें पालन करना बेहद ही जरूरी है। ड्रोन खरीदने के बाद उसका UIN नंबर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जनरेट करवाना और योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। सैन्य क्षेत्रों और उनके 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है। ड्रोन उड़ाने के लिए क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेड जोन, जहां आप नहीं उड़ा सकते, येलो जोन, जहां अनुमति की आवश्यकता होती है, और ग्रीन जोन, जहां 400 फीट तक बिना अनुमति के भी उड़ाया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में खाली पड़े बोर्ड और आयोगों के पुनर्गठन की जल्द होगी घोषणा। बिहार में खाली पड़े बोर्ड और आयोगों के पुनर्गठन की घोषणा जल्द ही होने वाली है और सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार NDA के सहयोगी पार्टियों ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और इसे अंतिम रूप देने के बाद ऐलान किया जाएगा। नीतीश सरकार लगभग 150 नेता और कार्यकर्ताओं को विभिन्न बोर्ड और आयोगों में जगह देने की तैयारी कर रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बीजेपी को किसान आयोग, सवर्ण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अन्य बोर्ड मिल सकते हैं, जबकि जदयू को महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अति पिछड़ा आयोग और अन्य बोर्ड मिल सकते हैं। इन पदों पर नियुक्त अध्यक्षों को बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जारी हुए नए निर्देश। बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा के बैकलॉग पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों यानी DEO को निर्देश दिया है कि वो बैकलॉग पदों की गणना कर सूची उपलब्ध करवाएं, ताकि तीसरे चरण की नियुक्तियों में इन पदों को शामिल किया जा सके। सभी DEO को पहले और दूसरे चरण की नियुक्तियों की रिक्तियों को आरक्षण समाज शोधन के साथ समेटने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य में भी दी गई राशि का समय पर उपयोग नहीं किया गया तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों के अतिरिक्त वर्ग कक्ष, मरम्मत, शौचालय, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 3012.85 करोड़ रुपए जारी किए गए।
इन्हें 11 जिलों में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को मिली हरी झंडी। पटना समेत 11 जिलों में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को परिवहन विभाग ने हरी झंडी दे दी। योजना के लागू होते ही अब इन जिलों में लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पर 7 लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। लाभुकों का चयन कर उन्हें सरकार वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है, साथ ही प्रखंडों को शहरों और कस्बों से जोड़ना है। जिस 11 जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है उसमें पटना, जमुई, पूर्णिया, सिवान, नालंदा, मधेपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण शामिल है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सहरसा के बारे में। ये बिहार का एक जिला है। यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में आपको सबसे ज्यादा धार्मिक पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें उग्रतारा स्थान, मंडन भारती धाम, महिषी, सूर्य मंदिर, कंदाहा, चंडिका स्थान, सोनबरसा, रक्त काली मंदिर आदि शामिल है। यदि आप कभी सहरसा जाते हैं तो इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। बिहार का सारण जिला नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला बना। केंद्र सरकार द्वारा देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी BNS बनाए गए थे। इस कानून के तहत देश में पहली बार बिहार के सारण जिले में आरोपी को सजा दी गई है। छपरा की अदालत ने मर्डर के मामले में 2 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी। छपरा अदालत के इस फैसले के बाद बिहार का सारण जिला नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला पहला जिला बन चुका है। बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। बीते दिन भी प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली थी। आज प्रदेश में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए लाभार्थियों को किए गए वितरित। राज्य में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए करीब 2900 करोड़ रुपए 74,540 लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 50,530 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करने के बाद ये किया गया है ताकि समग्र आर्थिक वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ये राशि दी गई है। इस संबंध में उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रियसी ने PTI भाषा से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार में अब तक इन 2 योजनाओं के तहत 74,000 से ज्यादा लोगों को लाभ दिया जा चुका है। आरा गए CM नीतीश ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। बीते दिन CM नीतीश कुमार भोजपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान CM नीतीश ने 0 माइल स्थित निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही 57 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन शिलान्यास योजनाओं में सबसे ज्यादा बरहरा, कोइलवर, पीरो और आरा सदर प्रखंड की कई योजनाएं शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की कर दी मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शहीद नेता जगदेव प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने कुशवाहा समाज के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिलवाने का काम किया था। आप सभी लोग विश्वास कर सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को सम्मान सहित प्रतिनिधित्व का मौका राष्ट्रीय जनता दल देगी। जगदेव बाबू ने जो शहादत दी या कुर्बानी दी, उनका नारा बहुत चलता था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे JP नड्डा। बिहार आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। यहां आते ही वे प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। इसमें सबसे पहले पटना के IGIMS में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेलमोलॉजी का उद्घाटन करेंगे, फिर भागलपुर के जवाहर मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वे गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में भी 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और फिर दरभंगा में एम्स के लिए प्रस्तावित स्थल का जायजा लेंगे। रविंद्र जडेजा की राजनीति पारी की हुई शुरुआत। हाल ही में T20 इंटरनेशनल से भारतीय
टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने संन्यास का ऐलान किया था। इसके बाद उन्होंने राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। रविंद्र जडेजा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसकी जानकारी एक्स के जरिए जामनगर विधायक और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने ट्वीट करते हुए दी है। आपको बता दें कि अपनी पत्नी के साथ हुई कई बार रविंद्र जडेजा चुनाव प्रचार में और स्टेज शो के दौरान देखे गए थे। आपको बता दें कि इसी महीने जडेजा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज मैच में खेलते नजर आ सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1929 में जाने माने भारतीय फिल्मकार यश जौहर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1972 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और प्रसिद्ध सरोद वादक उस्तानद अलाउद्दीन खान का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1990 में संसद में प्रसार भारती विधेयक पारित हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। आज के ही दिन वर्ष 2020 में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती का निधन हुआ था। इस दस्तावेज के नहीं होने पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नहीं उठा सकेंगे लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना है। ये योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और गैस कनेक्शन के लिए पैसे नहीं जुटा सकते। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड नहीं दिखाते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास आधार कार्ड। जीमेल के डेटा को सुरक्षित करने के लिए ऐसे ऑन करें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यदि आप जीमेल का उपयोग करते हैं तो अपने अकाउंट की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA का इस्तेमाल करना जरूरी है। यह आपके जीमेल के डेटा को सुरक्षित रखता है। जब आप नए डिवाइस से जीमेल में लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड के बाद एक अतिरिक्त सत्यापन चरण की आवश्यकता होती है। इस दौरान आपके प्राइमरी फ़ोन पर गूगल का प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, जिसे सत्यापित करने के बाद ही आप नए डिवाइस पर लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप एक बार किसी नए डिवाइस में 2-स्टेप वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं तो भविष्य में उसी डिवाइस पर केवल पासवर्ड की आवश्यकता होगी। ये सुविधा आपके अकाउंट को हैकर्स से बचाने में मदद करती है, क्योंकि पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के लिए हैकर्स को आपकी अनुमति की जरूरत होगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू करने के लिए जीमेल खोलें। ऊपर दाएं कोने में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें, मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करें, फिर सिक्योरिटी पर जाएं, उसके बाद हाउ यू साइन इन टू गूगल पर क्लिक करें, टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें और टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन पर टैप कर दें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 31 अगस्त, ऑप्शन सी है 30 अगस्त, ऑप्शन डी है 2 सितंबर। इसका सही उत्तर है 1 सितंबर। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कांस्य। हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है लखनऊ। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आर एन मुथोलकर, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है आर एन मुथोलकर। बिहार में 1938 में कहाँ पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है, संजय कुमार शर्मा, मोतीलाल कुमार, रामनवमी मांझी,
मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, विद्या सागर, संजीव कुमार, विनय कुमार, राजीव कुमार, कल्याणी चौधरी, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।